नमस्ते जय श्री राम दोस्तों, मैं सागर, आप लोग देख रहे हैं सागर। हम लोग आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज मैं दिखाने जा रहा हूँ गीता साहब का पाठ आप लोगों को, और अपने घर में जो है हम गीता साहब का पाठ करवा रहे हैं। तो बने रहिए हमारी वीडियो में। ये देखें अभी जो है तैयारी चल रही है, और महाराज को बुलाते हैं और दिखाते हैं आपको कि हमारे हिंदू कम्युनिटी के लोग इधर पाकिस्तान में गीता साहब का पाठ किस तरीके कराते हैं। तो वीडियो में जुड़े रहे दोस्तों। तो जिस भाई ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, जिस महाराज ने गीता साहब का पाठ करना है तो उसको हमने बुलाया, और ये देखें जी जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से ये कुछ बना रहे हैं। तो ये मुकम्मल होता है तो फिर आप लोगों को दोस्तों दिखाते हैं, वीडियो में बने रहे आज। तो दोस्तों देख सकते हैं, महाराज ने जो है ये देखें कंप्लीट काम कर लिया है, और कुछ भाई भी आ चुके हैं गीता साहब का पाठ सुनने के लिए। तो दोस्तों आप भी पूरे आनंद से सुनिए, और ये देखें जी ये कुछ प्रसादी लेके आए हैं भाई। तो ये जो है गीता साहब का पाठ होने के बाद ये जो है बच्चों में तकसीम करेंगे जी। अर्जुन की प्रार्थना मानकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, संसार की ख्वाहिशों के सभी काम त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास है, और मेरे चरण कमल में आकर मेरी भक्ति करना, और किसी चीज की ख्वाहिश न करना त्याग संन्यास है। बोलो राम जय। और मेरे चरण कमल में आकर मेरी भक्ति करना, और किसी चीज़ की ख्वाहिश ना करना त्याग संन्यास है। ये तो हमने अपने मत का संन्यास और त्याग कहा है। अब अर्जुन, जैसे शास्त्र का मत है सुन। एक शास्त्र ये कहता है, भले और बुरे दोनों कर्म छोड़ दें, क्योंकि भले कर्म का फल सुख है और बुरे कर्म का फल दुख भोगना है। बोलो राम। बुरे कर्म चरणों में, भले कर्म चरणों में सोने की बेड़ियां हैं, भले बुरे कर्म दोनों बंधन पैदा करते हैं, इसलिए इनका त्याग करना ही बेहतर है। अर्जुन, एक शास्त्र ये कहता है, यज्ञ दान तपस्या स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागने चाहिए, ये पाकीज़गी देते हैं, ये कर्म करने से जिस्म पवित्र होता है। ऐ भरतवंशी अर्जुन, अब निश्चय कर मेरे मत का त्याग सुन। त्याग तीन किस्म के हैं। अव्वल तो मेरे मत में ये है, यज्ञ दान तपस्या और स्नान ये इंसान को पवित्र आग करते हैं, ज्ञानी पुरुष इनका त्याग नहीं करते। जो भले विधि पुरुष हैं ये सत्य कर्म करने इनको अच्छे लगते हैं, अच्छे कर्म करके इनका फल नहीं चाहते, इसलिए मेरे मत में ये बात भली है। सब बातों में ये बात भली है, अच्छा कर्म करे फल को ना चाहे, ये न्याय तुमका बात है। बोलो राम। ईश्वर का एक कर्म करो फल री इच्छा नहीं, जब फल री इच्छा राख कर्म करियो तो बधारो कर्म का खातर कह दो, कि मतलब राख कोई कार्यो नहीं करो, जो को करो भगवान है ना दे करो भगवान फल दे। बोलो राम। और जो अज्ञान से सहित कर करे सत्य कर्म छोड़ कर कहे कि सत्य कर्म से क्या होता है, जो प्राणी माया के चक्कर में फंस कर सत्य कर्म त्यागे सो ये राशि त्याग कहलाता है। बोलो राम। जो शख्स जिस्म के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे, स्नान करने से मुझे सर्दी लगती है हाथ दुखते हैं, इस तरह का त्याग तामसी त्याग कहलाता है, इसका फल नहीं पाते। ऐ अर्जुन, जो इस तरह सत्य कर्मों को करे, पहले तो कहे मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान वगैरह करने मुझको भले हैं, कर्म जरूर करे मगर उनके फल की ख्वाहिश ना करे, ऐसा सात्विक त्याग कहलाता है। बोलो राम। अर्जुन, ज्ञानी 18वें अध्याय का महात्म श्री नारायण जी बोले, ऐ लक्ष्मी, 18वें अध्याय का महात्म सुन। जैसे सब नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ है, सब देवताओं में हरि, सब तीर्थों में पुष्कर राज, सब पर्वतों में कैलाश पर्वत और सब ऋषियों में नारद, सब गहों में कपाल काम धनी गहू, वैसे ही सब अध्याय में गीता का 18वां अध्याय श्रेष्ठ है। बोलो राम। तो दोस्तों देख सकते हैं, गीता सबका पाठ जो है हो चुका है, और कुछ भाई हैं जो रस्म व रिवाज महाराज ही उन्हें करवा रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहिए हमारी वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और ये देखें अग्नि भी लगा रहे हैं, और इसमें कुछ मेरे ख्याल से डालेंगे अभी। ये देखें जी तो महाराज कुछ पढ़ रहे हैं, तो ये भी सुनते रहें और बने रहिए हमारी वीडियो में दोस्तों। प्रचोदया हरि ओम नमः शिवाय।
ओम भूर भवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम नमः शिवाय। ओम भूर भवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम नमः शिवाय। सदा भवानी दानी सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करो ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम दूर भवस्व। तो दोस्तों ये जो कुछ भी अग्नि में डाल रहे हैं तो ये चार बार डाला जाता है महाराज के कहने के मुताबिक, तो ये चौथी बार है और आगे दिखाते हैं आप लोगों को। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी जो है भाई प्रसाद जो है ले रहे हैं और मैं भी दे रहा था तो इसलिए जो है कुछ वीडियो नहीं बना सका। तो ये देखें भाई जो है प्रसाद ले रहे हैं और कुछ जो ले चुके हैं तो ये देखें जी। तो दोस्तों प्रसाद में बनाई है जी सूजी और ये देखें भाई ले भी रहे हैं। तो जो फ्रूट थे भाई वो हमने जो है ना कट किए थे और बच्चों में तकसीम कर दिए थे, तो मैं दोस्तों वीडियो नहीं बना सका क्योंकि जो मोबाइल मेरे पास था लेकिन मैं थोड़ा सा काम में जो है मसरूफ़ था। मैं और आकाश भाई और ये देखें तो भाई और हैं ये हैं और हमें हम जो है ना अभी ये देख सकते हैं प्रसाद ले रहे हैं और साथ ही में जी बना हुआ है सूजी जिसको हम बोलते हैं सूजी हलवा भी बोलते हैं। ये देखें जी बहुत बढ़िया बना हुआ है आकाश भाई बहुत बढ़िया बना हुआ है दोस्तों। और ये देखें नानक भी आ गया पानी लेके, नानक सेवादारी नानक सेवा कर रहा है। तो कैसा लगा है? सही बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है, अच्छा बना हुआ है ना।